ब्लड बनने की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। इरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी का बनना, जो कि हीमोग्लोबिन भी होता है। ब्लड कैसे बनता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ब्लड बोन मैरो टिश्यू में बनता है, जिसे ब्लड बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। बोन मैरो में स्टेम मदर सेल्स होती हैं, जिसे कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स बोलते हैं, और यह तीन तरीके के सेल्स बनाता है। नंबर एक आरबीसी, इसे रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन भी यही बनाते हैं, कैरी करते हैं, और ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ले जाने और आने का काम करती हैं। दूसरे नंबर पर डब्ल्यूबीसी होती हैं, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, यह ल्यूकोसाइट भी कहलाती हैं। यह इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम करती हैं, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। तीसरे नंबर पर प्लेटलेट्स आती हैं, जो चोट लगने पर ब्लड जब निकलता है उसको रोकने का काम करती हैं। स्टेम सेल पहले कॉमन माइलॉइड सेल्स बनाता है, फिर यह चेंज होकर एरिथ्रोब्लास्ट बनाता है, और जो एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होकर ब्लड बनाता है, और इस प्रकार ब्लड बनता है। अगर खाने पीने में कमी है तो बोन मैरो को सफिशेंट मात्रा में प्रोटीन, विटामिन बी12, फोलिक एसिड, आयरन ना मिलने से ब्लड अच्छी मात्रा में नहीं बनता है, जिसे ब्लड की कमी हो जाती है। या फिर किसी तरीके के इन्फेक्शन होने पर भी बोन मैरो ठीक तरीके से ब्लड नहीं बना पाता है, जिससे ब्लड की कमी होने की वजह से थकान, वीकनेस, कम और भूख ना लगना, शरीर दर्द, कमर दर्द करना, आँखों में लाल पीला सा दिखाई देना आदि लक्षण होते हैं।